लिए फिर से लेकर आ गया एक नया वीडियो। तो अभी सबसे अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब में एक 4K वीडियो, तो आपको उसके इसका एडिटिंग करने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है इलाइट मौसम। तो सिंपली आपको इलाइट मौसम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नया इंटरफेस आ गया। तो आ जाने के बाद आपको इधर जाना है, क्लास आइकन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है जो कि मेरा स्क्रीन पे दिखा रहे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे मारना है, मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे मार लिया। तो आप लोग देख सकते हो अभी ऐसा इंटरफेस आ गया। तो सबसे पहले आपको जाना है क्लास बेल आइकन पे, और जाने के बाद यहाँ से आप लोग कुछ भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 30 सेकंड का वीडियो बनाऊंगा मैं, 30 सेकंड तक कर लेता हूँ। तो फाइनली आप अगर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इसे 30 सेकंड तक कर लीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। करने के बाद आपको कलर पे जाना है। कलर पे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर का आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने गोल्डन कलर सिलेक्ट कर लिया। अब कर लेने के बाद आपको सीधा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जिस फोटो को आपको वीडियो बनाना चाहते हो वो फोटो ले लीजिए। तो मैंने फाइनली यहाँ पर सुशांत सिंह का एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैं फाइनली उनका फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद आपको सीधा नीचे लगाना है। नीचे लगाने के बाद आपको थोड़ा जूमिंग कर लेना है ताकि फ़ोटो और भी अच्छा लगे। फ़ोटो ऐसे लगाने के बाद आपको सीधा सिंपली फ़ोटो को अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छे से सेट कर लीजिए, मैंने फाइनली सेट कर लिया। फाइनली मैंने फ़ोटो सेट कर लिया। तो फाइनली आपको जैसा पिछली बार जैसा किया 30 सेकंड तक फ़ोटो को भी ले लेना है। तो मैंने 30 सेकंड तक फ़ोटो को ले लेता हूँ, 30 सेकंड तक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। तो मैं फाइनली 30 सेकंड तक फ़ोटो ले लिया। अभी फ़ोटो लेने के बाद आपको सीधा आने पर अभी कलरिंग कैसे चेंज करूँगी ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जाना है कि मरने के बाद आपको इफेक्ट पर आना है। इफेक्ट करने वाला आपको यहाँ पर कलर मिल जाएगा। तो कलर पर आने के बाद आपको सिंपली कलर चेंज कर लेना है। तो कलर चेंज कर लोग देख सकते हो कैसे कलरिंग चेंज हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पे मार देना है। प्लस मारने के बाद आपको इस तरह घुमाना है जैसे मैं घुमा रहा हूँ अभी। तो फाइनली मैंने घुमा लिया है, देख सकते हो आप लोग। इस तरह कर लेना है आपको, देख सकते हो यहाँ कितना इधर डॉट बन गया। तो मैंने भी ऐसे कर लिया, आप देख सकते हो ऐसे कर दीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। एक भी पॉइंट लेयर छोड़ना नहीं चाहिए, सब लेयर को आपको कनेक्ट कर लीजिए लेना है। तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और भी आगे क्या काम है। तो मैंने कर लिया, फाइनली मेरा काम कर लिया। अभी आपको सिंपली बैक आना है और यहाँ पर आपको कॉफ़ी मिल जाएगा। कॉफ़ी तो कर लेने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक बार वीडियो को एंड में दिखाता हूँ। अभी बैक करने के बाद आपको जो ब्लैक वाला स्किन है, जो ब्लैक इफेक्ट है ऊपर जो आएगा, तो सिंपल आपको वहाँ पर जाना है। व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो के लिए आपको तो और एक वीडियो की ज़रूरत पड़ता है। अच्छे से सेट कर लेना है सब। तो मेरा पूरा काम क्लियर हो गया, आप देख सकते हो मेरे पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छे क्लियर हो रहे हैं। तो फाइनली आपको जाना है गैलरी पे, गैलरी पे जाकर ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली वो जो ब्लैक वाली स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। वीडियो मिलने के बाद आपको सीधा ऊपर जाना है, ऊपर थोड़ा जूम कर लेना है वीडियो को ताकि और भी अच्छा लगे। वीडियो को जूम करने के बाद आपको यहाँ पर इधर आना है। आने के बाद आपको इधर लाइटिंग पे जाना है, लाइटिंग पे जाकर स्क्रीन पे मारना है। स्क्रीन पे मारने के बाद आप लोग देख सकते हो इधर कितना अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है उधर ऊपर, ऊपर देखो कितना अच्छा से उसको लैंड किया है मैंने। तो फाइनली आपको होने के बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको वीडियो क्लिक करके देख, फाइनली हमारा वीडियो पूरा हो गया। आप देख सकते हो अगर आपको कुछ इफेक्ट लगाना है तो सिंपल यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको गैलरी पर मारना है। गैलरी पर मारने के बाद आपको जो ब्लैक वाले स्क्रीन का जो यूट्यूब का जो इफेक्ट होते हैं वो आपको इधर से ले लेना है। फाइनली मेरा यूट्यूब का चार नाम इधर ले लिया मैंने, एलपारी बांग्ला। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद आपको सीधा 30 सेकंड तक करना है। इसको भी 30 सेकंड तक कर लीजिए। करने के बाद आपको और भी आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसको 30 सेकंड कर लेता हूँ। फाइनली मैंने 30 सेकंड तक कर लिया वीडियो को, जो मेरा बैनर था यूट्यूब चैनल का मैंने कर लिया। अभी और एक बैनर लगाना है, तो सिंपल हम गैलरी पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मेरा जो बैनर था मैंने वो ले लिया। लेने के बाद आपको सीधा गैलरी को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको सीधा इंटरफेस पे आना है। उधर आने के बाद आपको लाइटिंग में मरना है, लाइटिंग में आपको स्क्रीन पे मरना है। स्क्रीन के मरने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो आप मेरा जो यूट्यूब का जो नाम था वो कैसे लाइटिंग उधर आ रहा है। लाइटिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कम गिर रहा है लाइटिंग। तो मैं और भी थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे।
इतना ही काफ़ी है आज के जो वीडियो है अभी के लिए, इतना ही काफ़ी है और नहीं लगाना चाहता हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो। तो फाइनली एक बार प्ले करके हम देख सकते हैं वीडियो को मैंने, ताकि यार अभी अच्छा लगे। अभी आपको सिंपली करना है, आपको सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया, फिर फाइनली आपको यहाँ पर 720 कर लेना है, 720 PSD कर लेना है ताकि वीडियो और अच्छा लगे। कर लेने का आपको इधर एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको देख सकते हैं इधर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी फाइनली हमारा वीडियो जो था वो कंप्लीट हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब सेव हो गया, आपको आपको जाना है सीधा गैलरी पर। गैलरी पर जाने के बाद आपको देख सकते हैं वीडियो, आप देख सकते हैं कैसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।